हाँ तो भाई ये वो जगह नहीं है पर औकात देख ही रहा है तो आठ आएंगे। हाँ तो भाई स्वागत है तुम्हारा इस पहले दिन में डे जीरो में। और ये आज डे जीरो इसलिए क्योंकि मेन वीडियो हम कल से भी चालू करेंगे और हम जानते हो कोई भी सीरीज स्टार्ट करते हैं तो डे जीरो से स्टार्ट करते हैं ताकि हम ऐसा ना हो सीधे जंप पे कर उस पर यानी पहले दिन पर जंप कर जाएँ। और डे जीरो का मतलब ये है आज हम थोड़ा सा तुम्हें बता दें कि इसमें आने वाले दिनों में होगा क्या। और ये सिर्फ 30 दिन की सीरीज़ है। 30 दिन की सीरीज़ इसलिए भी है क्योंकि 30 दिन इस सीरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा है। तुम जानते हो हम पहले 30 दिन में अभी हम श्रेड कर चुके हैं। 60 दिन का हमने रखा था, 30 दिन हम पहले श्रेड्स में जा चुके हैं यानी फैट हमने कम किया है और अभी हम 30 दिन और करेंगे और ये हम लेके जाएंगे अपना पीक। और इसीलिए हमने सीरीज़ का नाम भी दिया है द नेटी पीक, मतलब कि हम जितना हो सके उसको नेचुरल में जितना ज़्यादा हो सकते उसको लेके जाएँ यानी इसीलिए नेटी पीक है। और इसमें हम अपनी लिमिट्स को पुश करेंगे, जाहिर सी बात है हम ज़्यादा डिसिप्लिन में रह पाते हैं क्योंकि अकेले रहते हैं तो इसलिए डिसिप्लिन में रहना आसान भी होता है। और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सिंगल डिजिट में जा पाएँ और उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हैं और कई चीज़ें में हम पुश भी कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने स्टार्ट कर दिया है, स्टार्ट किया हमें काफ़ी दिन हो गए, बल्कि 2-4 हफ्ते तो नहीं कहेंगे पर हाँ एक हफ़्ता होने को है जब हमने काफ्स अपने कट कर दिए हैं। और अभी जो हम पहले दिन के जो काप्स होते हैं, मतलब कि मान के चलो रात के 12 बजे के बाद से करीब 18 घंटे निकलने के बाद यानी अभी शाम के 6:30 बजे अभी हम काप्स लेते हैं जो कि होते हैं हमारे ये वेफल्स, प्रोटीन वेफल्स। और अगर तो आज तो संडे इसीलिए हम घर पे भी हैं, लेकिन अदरवाइज़ अगर हम ऑफिस जाते हैं बाकी जो वर्किंग डेज होते हैं तो उसमें हम ये चीज़ कैरी करते हैं टिफ़िन में। तो ये हमारे दिन के पहले कार्ब्स होते हैं यानी एक तरीके से पहला सोर्स होता है कार्ब्स का जो हमारे पेट में जा रहा होता है। इसके बाद जो दूसरे कार्ब्स होते हैं वो होते हैं हमारे सिर्फ सीधे पोस्ट वर्कआउट, यानी 2 मील ऐसी हैं जिसमें सिर्फ कार्ब्स हैं, बाकी दिन हम सिर्फ प्रोटीन पे जिंदा हैं, मतलब हम खाना कम खा रहे हैं और पानी ज़्यादा पी रहे हैं। और दिन में 6 से 6.5 लीटर पानी हमारा जा रहा है इस टाइम। तो बस ये थी। और आज हम बता दें कि आज डे ज़ीरो है और डे ज़ीरो की शुरुआत हम कर रहे हैं पुश डे से। पुश डे मतलब कि हमारा आज होने वाला है चेस्ट और शोल्डर। और आज हमारे भोपा भाई आए हैं शूट करने के लिए तो आज तुम्हें कैमरे की क्वालिटी मिल रही है, कल एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि कल हम शूट करेंगे, कल हम फ़ोन से शूट करेंगे। तो होगा सीन ये कि डेली वीडियो आएंगी, हम डेली शेयर करेंगे पर उसमें सीन ये रहेगा कि एक दिन तुम्हें अच्छी क्वालिटी की मिलेगी जब पीछे जो भोपा भाई हैं वो आएंगे, बाकी के 6 दिन तुम्हें हमारी गंदी क्वालिटी, हमारा गंदा चेहरा देखना पड़ेगा तो उसे तुम संभाल लेना, ठीक है। बाकी अभी हम तुम्हें दिखाते हैं वेफल्स बनने के बाद लगते कैसे हैं। तो हाँ रेडी हैं तो देखो भाई ये कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है अभी, लेकिन ये रेडी नहीं है अभी, और थोड़ा इनको पकने देना है, अभी करीब इसको 2-4 मिनट और रखेंगे, अभी सिर्फ 3 ही मिनट हुए थे रखे हुए। हाँ तो भाई आप देखो परफेक्ट शेप बिल्कुल नहीं बनी है, आज हमारी जो विदेशी टाइल है थोड़ी सी दाएं बाएं से ऊपर नीचे हो रखी है क्योंकि हम जल्दबाजी में आज थोड़े से, पर ये टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है और टेस्ट में काफ़ी अच्छी है भी क्योंकि तीनों ही चीज़ें काफ़ी सही चीज़ें हैं, अंडे वे प्रोटीन और ओट्स, तीनों ही चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं टेस्ट में तो अच्छा लगता है टेस्ट में। हाँ तो भाई आज है हमारा पुश डे। पुश डे में बेसिकली हम 2 चीज़ें मेन ट्रेन करेंगे, एक तो चेस्ट शोल्डर, ट्राइसेप का भी इतना ज़्यादा प्लान नहीं है, अगर टाइम रहेगा तो करेंगे क्योंकि 9 बजे तक हमें कोशिश करनी है कि वर्कआउट ख़त्म हो जाए। हाँ तो भाई अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं केबल फ्लाइज से, केबल नहीं मशीन फ्लाइज से, ताकि जो वर्कआउट के शुरू में एक अच्छा स्ट्रेच मिल सके चेस्ट के लिए। और इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे प्रेसेस। तो इसके हम करेंगे 2 वार्म अप सेट और उसके बाद 4 वर्किंग सेट होंगे। इसमें हम कोशिश करते हैं कि शुरू के जो 2 सेट हैं उसमें 20-20 के सेट लगा सकें यानी 20-20 रैप्स। मेन एम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट कर पाएँ रेदर देन कि बस ज़्यादा रैप्स पे जाएँ। तो पिछले वाले में 11 आए थे, 12 आने चाहिए थे।
और अगर हमारे सेट की कैलकुलेशन देखें तो इसमें 10 आने चाहिए, पर औकात देख ही रहा है तो 8 आएंगे। अब हम दो सेट करते हैं कुछ लाइट वेट से, जिसमें हम एक्चुअल रेप्स परफॉर्म कर पाएं और फेलियर हिट करें ज़्यादा से ज़्यादा रेप्स पे। हाँ तो भाई, जो पहली एक्सरसाइज थी सीटेड मशीन फ्लाइज, उसके बाद जो दूसरी मूवमेंट हम ले रहे हैं यह है इंक्लाइन चेस्ट प्रेस मशीन। पहले मूवमेंट में जो था हमें काफ़ी एक अच्छा स्ट्रेच मिल जाता है, यानी तुम्हारी छाती को खोलने के लिए। उसके बाद जो दूसरा मूवमेंट हम ले रहे हैं वो है इंक्लाइन चेस्ट प्रेस मशीन, जो कि तुम्हारे अपर पैक्स को कह लो काफ़ी अच्छे से ट्रेन करेगा। तो इसके अभी हम 4 सेट करेंगे कम से कम। लिटरली भाई, जब तुम डेफिसिट पे होते तुम फील कर पाते हो अपनी एनर्जी के लहसुन लगते हुए। पहले ये 45 प्लेट तो हमें पता भी नहीं चलती थी, और आज हमारी पहले सेट में फट गई कि ये शायद हमारा चौथा सेट होना चाहिए था। तो भाई, तीसरी एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो है साइड रेजेस, और इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, बट इसमें हम एक चीज़ अलग करने लगे हैं, वो ये है कि अब हम अपना जो हाथ है वो स्कैपुलर प्लेन में नहीं लाते हैं, मतलब कि इस तरीके से नहीं लाते हैं। ये तुम्हारा स्कैपुलर प्लेन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हमारा फ्रंट डेल्ट काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, तो इसको हम लेटरल हेड पर लाने के लिए कोशिश करते हैं कि हमारा जो हाथ है जितना हो सके पीछे से साइड में रहे,
तो ये मूवमेंट हम परफॉर्म करते हैं ताकि थोड़ा सा हम रियर डेल्ट और लेटरल हेड पे ला सकें। अगर हम हल्का सा भी आगे की तरफ लाते हैं, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कह लो या फिर जो हमारा माइंड मसल कनेक्शन है या फिर हमारे जो मसल्स हैं वो इसको फ्रंट डेल्ट की तरफ कहीं ना कहीं घुमा के ले ही आती हैं। तो भाई ये है आखिरी सेट जो कि हम करने वाले हैं 25 से। हाँ तो भाई ये एक्सरसाइज है हमारी डिक्लाइन केबल फ्लाइज, मतलब तुम्हारी लोअर चेस्ट को ट्रेन करती है, जिसमें तुमने देखो केबल हम जो लेके आ रहे हैं एज इट इज़ पूरे की तरफ नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं, सामने की तरफ नहीं लेकर आ रहे हैं। तो इसमें तुम्हारे लोअर चेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेच होता है और कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत अच्छे से होता है जब तुम आगे की तरफ ला के होल्ड करते हो यहाँ पे। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा तुम टेंशन यहाँ पे फील करोगे, तो यहाँ ला के थोड़ा होल्ड करना है। और ज़िंदगी में पहली बार हम अपने पहली बार तो नहीं कहेंगे पर बहुत टाइम बाद इतने क्लियरली हम फाइबर्स देख पा रहे हैं चेस्ट पे। तो ये होगा हमारा तीसरा सेट, इसके बाद एक सेट और लगाएंगे और ये हम भाई बल्क पे लगा देते इतने वेट से। तो अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा वेट के साथ भले ही कम रैप्स लगें पर खुद को पुश कर पाएँ, ये मेन गोल है। और इसमें हम आगे की तरफ नहीं जाते हैं, तुम देखोगे कि हम साइड की तरफ से ही ये हल्के से पैर को पीछे रख लेते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं। आ, 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 Ugh.
तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट तो बहुत पहले कर चुके हैं, तो अभी हम करेंगे रियर डेड फ्लाइज। और ये थोड़ा सा हम अलग तरीके से करते हैं, मतलब कि जनरली हमने शायद ये किसी को करते हुए देखा नहीं है, पर ये हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करती है। और इसको हम करेंगे बेंच पे, यानी इस चेयर पे। और इसके लिए तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, तुम्हारी बहुत ज़्यादा एक तरीके से एंकर पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। तो अगर मूवमेंट तुम देखोगे तुम्हारे पास कहाँ कहाँ एंकर है, मतलब कहाँ कहाँ से तुम बॉडी को फिक्स करते हो, एक तो इधर पैर से, दूसरा तुम्हारा ये जो पैर है इसको यहाँ पे फिक्स करते हो, तीसरा तुम अपने चेस्ट को फिक्स करते हो, और बस तुम्हारा मूवमेंट होता है इस हाथ का। हाँ तो भाई ये वो जगह है जहाँ पे एक तरीके से हम अपनी प्रोग्रेस चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ की लाइटिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है और थोड़ा थोड़ा हम इम्प्रूवमेंट देख पा रहे हैं कि हम थोड़े से ज़्यादा लीन दिखने लग रहे हैं, पर साइज़ थोड़ा सा पहले से कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा ठीक दिखता है। हाँ तो भाई आज का वर्कआउट सिर्फ यहीं तक था, ट्राइसेप्स हमने नहीं कि मन कर रहा था करें, बट हमें लगता है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी भाई नहीं बचती इस टाइम पर। और तुम्हें डाइट जो हम शेयर करेंगे, तुम देखोगे कि भाई हमसे ज़्यादा तो कोई महिला खा रही होगी इस टाइम पे, इतना कम खा रहे हैं। और अभी घर जाकर तुम्हें पोस्ट वर्कआउट मील भी दिखाएंगे, पर आज का वर्कआउट हमें अच्छा लगा काफ़ी, बहुत टाइम बाद एक तो हम प्री वर्कआउट ले पाएँ, क्योंकि शाम को जब हम वर्कआउट करते हैं ऑफिस से आके तो प्री वर्कआउट नहीं लेते हैं, तो उस चक्कर में इतना अच्छा वर्कआउट तो नहीं कहेंगे हो पाता है, क्योंकि एक मेंटल पुश नहीं मिल पाता है। और जब तुम प्री वर्कआउट लेते हो एटलीस्ट तुम फोकस रहते हो, थोड़ा वो चुनूने काट रहे होते हैं तुम्हें वर्कआउट करने के। हाँ तो भाई वेलकम टू अंकित्स किचन, और अभी हम तुम्हें अपनी पोस्ट वर्कआउट मील दिखाते हैं। हालांकि किसी दिन एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हफ्ते में एक वीडियो जिस दिन वर्कआउट नहीं करेंगे या जिस दिन सिर्फ कार्डियो रहेगा, उस दिन हम तुम्हें मेन सिर्फ डाइट की वीडियो दिखाया करेंगे, या फिर जो भी हम डाइट में चेंजेस करेंगे, क्योंकि इन दिनों हमारी डाइट में काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं। तो अभी 250 ग्राम फिश हम अभी लेते हैं, और 250 ग्राम हम लेते हैं सुबह मतलब कि लंच में, और 250 ग्राम हम लेते हैं चिकन, वो जाता है हमारे ब्रेकफास्ट में या फिर पोस्ट कार्डियो। और अभी जो है इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो हम बता दें, अभी इसमें फ़िश है, फ़िश के साथ जो है हमारे पास पोस्ट कार्डियो में कार्ब्स रहते हैं, मतलब कि इस टाइम पे हम राइस ले सकते हैं, सुबह नहीं लेते। और इसके साथ क्योंकि फ़िश जो थोड़ी बोरिंग लगती है, अगर तुम फ़िश पहले खाए होगे तो इसका बड़ा सॉफ्ट सा टेस्ट होता है, मतलब कि जिसका जो टेक्सचर रहता है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, तो वो किसी किसी को अच्छा लगता है और किसी किसी को नहीं लगता, और हम उनमें से जिनको अच्छा नहीं लगता। तो इसमें उसके लिए हम क्या करते हैं, 15 ग्राम हम डालते हैं मूंगफली के दाने, और मेजरिंग के लिए हमारे पास ये चीज़ है ही है, तो इस पर हम मेजर करते हैं 15 ग्राम। तो भाई 15 ग्राम में मेरे ख्याल से कुछ गिने चुने ही दाने आते हैं, तो जो इसमें जाएंगे, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं रहता। और हाँ एक चीज़ और ऐड करते हैं, इसके लिए हमने एक सॉस मंगाई है, क्योंकि अभी पहले जो है हम दाल ऐड करते थे, पर दाल की भी कैलोरीज हमने कम करी हैं, तो उसके लिए हमने ये कीटो केचप मंगाया है। इसमें 100 ग्राम में 28 कैलोरीज होती हैं, इसको हम तीन मील में लेते हैं तो 30-30-30 ग्राम लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तो हमारी कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा कम रहती हैं इसी केस में, और इससे थोड़ा टेस्ट बढ़ता है। तो कह सकते हो दिस केचप इज़ लाइफ, यही हमारी ज़िंदगी को बचा रही है। तो इसको हम मेजर कैसे करते हैं, और ये अभी नहीं डालेंगे, ये जब कुक हो जाता है उसके बाद हम डालते हैं। और इसको मेजर करने के लिए क्या है, इसको पहले पूरा पका लिया अच्छे से, इसको प्लेट में निकालते हैं, फिर इसके बाद इस तरीके से डालते हैं। हाँ तो यार हम बता दें आज हमने इतना फंबल मारा है कि हम बता नहीं सकते, लेकिन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आज डे ज़ीरो था, और उम्मीद है कि क्यूडास को पसंद आएगा और आने वाले दिन और अच्छे होंगे, धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे, ज़्यादा अच्छे से वीडियो बना पाएंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा या फिर यूज़ टू हो जाएंगे कैमरे से। और बस यही था, बाकी भैया मिलते हैं कल हमारा डे 1 होगा, कल डे 1 शेयर करेंगे।